एक कलाकारे गणेश की मूर्ति बनावी ने लोगों ने जागृत करने शानदार प्रयास करो छे। लोगों ने कोविड 19 प्रोटोकॉल नु पालन करवा माटे रसी लेवानो संदेश आपती आ मूर्तिओ संपूर्ण रीते इको फ्रेंडली छे। मजानी बात तो ए छे के गणेश नी आ मूर्ति लोगों ने पण खूबज पसंद आवी रही छे। ये हैं गुजरात के बड़ोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगिड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेश उत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई हैं। लेकिन इस बार की मूर्तियां खास हैं। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्तियां बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात यह है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो दो साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा गया है तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेश उत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का थर्ड वेव भी आ रहा है तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना जरूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेश उत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी की है। आपको बता दें कि सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगिड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।